हेलो स्टूडेंट्स दिस इज वीडियो ऑफ क्लास फर्स्ट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर फाइव आर हाउसेस हमारे घर अ हाउस सेव्स अस फ्रॉम हीट कॉल रेन, थीफ एंड एनिमल एक्सेट्रा हमें एक घर गर, गर्मी से सर्दी से बारिश से चोरों से और जानवरों से भी बचाता है है ना वे लिव इन डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज हम सब अलग अलग घर में रहते हैं अलग अलग टाइप के हाउसेज हैं हम सब के पास अ हाउस इज कॉल्ड होम फेयर विल इन एक मकान घर जब कहलाता है जब हम उसमें रहेंगे ये देखिए ये कच्चा हाउस है कच्चा हाउस ऐसे झोपड़ी सा बना हुआ है सिर्फ ये मिट्टी से बना हुआ होता है आइए इट इज बिल्ट ऑफ मड एंड बम्बू ये सिर्फ मड से और बैम्बू ऐसे खंबों से ये जो लगे हुए हैं इनसे बनता है पक्का हाउस इट इज बिल्ट ऑफ ब्रिक्स सीमेंट आयरन एक्सेट्रा पक्का हाउस किससे बनता है ईटों से सीमेंट से सरिये लगे होते हैं उनसे है ना मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इट हैज मैनी फ्लैट ऐसे बिल्डिंग्स होती हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग जिसमें फ्लैट्स होते हैं सेम सेम रूम होते हैं पूरी बिल्डिंग में बंगलो इट इज वेरी बिग एंड हैव गार्डन अराउंड इट बंगलो क्या होता है एक बहुत ही बड़ा बड़ा मकान होता है बहुत ही ज्यादा स्पेस होता है उसमें और वहाँ गार्डन भी होता है देर आर सेवरल रूम्स इन हाउस एक घर में बहुत सारे कमरे होते हैं ड्रॉइंग रूम डाइनिंग रूम बेडरूम स्टडी रूम आइए देखते हैं ये है क्या हमारा ड्रॉइंग रूम देखो यहाँ गेस्ट आए हुए हैं है ना ऐसे ड्रॉइंग रूम में सबको ऐसे बिठाते हैं डाइनिंग रूम जहाँ हम सब खाना खाते हैं बेडरूम जहाँ हम सोते हैं स्टडी रूम जहाँ हम पढ़ते हैं एंड किचन किचन जहाँ हम खाना बनाते हैं बाथरूम जहाँ हम नहाते हैं देर आर अदर टेम्परेरी हाउसेस अब देखिए अलग अलग हाउसेस होते हैं टेम्प्रेरी हाउसेज जो हम अलग अलग जगह जाते हैं हम रहने का वही बना लेते हैं जैसे ये है देखिए टेंट ऐसे टेंट लगा लेते हैं ये कोई परमानेंट हाउस तो नहीं है ये एक टेम्परेरी हाउस ही है इट इज़ यूज बाय सोल्जर्स एंड एन सी सी कैडेट्स ये हमारे सैनिकों और एन सी सी के बच्चों द्वारा एन सी सी कैडेट्स के द्वारा यूज़ किया जाता है जब वो अलग अलग जगह जाते हैं इट इज़ यूज बाय नो मैट्स ये नो मैट्स के द्वारा यूज़ किया जाता है नो मैट्स कौन होते हैं वो लोग जो अपने पशुओं के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ठीक है इसको बोलते हैं कारवा इग्लू इट इज मेड अप ऑफ आइस ब्रिक्स इन अंटार्कटिका इट इज़ कोल्ड इग्लू ये किससे बना होता है आइस ब्रिक्स से आइस जो बहुत ज़्यादा जम जाती है उसको ईटों के रूप में यूज़ करके अंटार्कटिका में यूज़ होता है ये इसको हम इग्लू बोलते हैं इट इज मेड इन हिली एरियाज़ एंड फ्लडेड एरियाज ये हट हट कहाँ यूज़ होती है हिल एरियाज जहाँ पे पहाड़ों वाली जगह होती है और फ्लडिड एरियाज जहाँ पे बाढ़ आने की आशंका होती है तो बच्चों ये था हमारा आज का चैप्टर आर हाउस आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे ओके बच्चों थैंक यू सो मच